गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से कर रही हूँ और अभी दूध वाले भैया आने वाले हैं तो मैं उठ गई हूँ और मुझे बाकी काम भी करने हैं घर के। मेरा युवान सोया है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है क्योंकि युवान के पापा भी आने वाले हैं। वो ड्यूटी गए थे, रात को नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो अभी वो पहुँच जाएंगे 7:30 बजे तक। हमारे दूध वाले भैया भी आ गए हैं, ये सुबह सुबह ही दूध देकर जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं ये। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिनसे भी दूध लगवाते हो वो खुद सुबह उनका दूध उनके रूम में देकर जाते हैं। आज मैं बात करूँगी इनके साथ, देखना है क्या बोलते हैं तेलुगु में। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तेलुगु में क्या बोलते हैं? तेलुगु में बोल के बताओ। सुबह सुबह सुबह। ये हमारे दूध वाले भैया हैं। मैं मेरा माँ। हाँ यका। हाँ मम्मी। वीडियो वीडियो कॉल ला दे। वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ फोन में आओगे आप भी देखना। तो अभी मैं दूध को ले लेती हूँ। इनको हिंदी में नहीं आती बात करने बेचारे को, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती इनको, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनकी जो वाइफ है वो हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बेटा भी कर लेता है। तो यही आते हैं डेली बेचारे। और ये देखिए मेरा सुबह सुबह दूध वाला काम हो गया तो सभी काम हो जाते हैं। नहीं नहीं मम्मी नहीं भैया ये तो। भैया कंफ्यूज हो गए थे, बोलते मैडम इपड़ू इपड़ू, तो मुझे भी तेलुगु नहीं आती, मैं भी इपड़ू इपड़ू में कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन भी अच्छे भैया ये, हमें इनसे दूध लेते लेते अभी 6-7 मंथ हो गए हैं पूरे, भी अच्छे तरीके से बात करते हैं। इनको तेलुगु तो नहीं आती लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ समझे, थोड़ा बहुत समझे। और हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी बात को समझे। युवान के पापा तो पूरी बात समझाते हैं इनकी, लेकिन मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। चलो उनको तो अभी यहाँ पर पूरे 7 साल हो गए हैं तो उन्हें तो आ ही जाएगी, मुझे नहीं आती। तो अभी मेरा युवान सोया है तो मैं सोच रही थी मैं घर का काम कर लेती हूँ। बाकी पिछले कल तो मैंने रूम में इतना काम नहीं किया क्योंकि रूम में युवान के पापा ने कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने बोला साइड साइड में झाड़ू लगा दो, बाकी रहने दो आज जो कुछ भी है। लेकिन आज मैं पूरी प्रॉपर तरीके से सफाई करूँगी, तो अभी मैं सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए वान तो सोया है मेरा, मैंने नीचे बेड बनाया क्योंकि रात को मुझे नींद पड़ जाती है तो मेरा युवान इधर उधर उधर घूमता रहता है पूरा। तो बेड पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मुझे नींद पड़ जाएगी तो युवान गिर ना जाए कहीं, उठ के एक दूसरी जगह पे सो जाता है ये। अभी उधर सुलाया था इसको मैंने तो रात को उठ के यहाँ पर आ गया था ये, तो बहुत फिर डर लगता है मुझे अकेले। जब युवान के पापा होते हैं तब वो संभाल भी लेते हैं लेकिन मुझे अकेले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी युवान के पापा भी आ गए हैं। युवान को देखो, खोल दो अब।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यहाँ भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। युवान आप क्यों जल्दी उठ गए आज? क्यों ऐसे ही? इस पाई तो कर लिया पोछा बच्चा लगाने के लिए तो वो लगाऊंगी। उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होगा। क्या खाओगे आज आप? कुछ नहीं खाऊंगा। चने तो मैंने भिगोने के लिए रखे थे। फली फली तो नहीं डाली। तेरे को बोला था ना इधर इधर खेलो आप तो टूट जाएगी। तो चने कर दूं मैं बोल? कर ना, ये बोलने की बात है। देखो कैसे देख रही है ये मेरे को, इसमें सब दिखाई देता है। देखने देना तो क्या है? गलत बोल रहा हूँ क्या? आपको बोल के क्या मतलब करने का ना? ठीक है अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। चने तो मैंने रात को भिगोने के लिए रख दिए थे। इतने सारे क्यों डाले? तो मैंने सोचा मैं सब्जी भी बना लूंगी। ठीक है बना ले। ये देखिए ये चने भिगोने के लिए डाल दिए थे मैंने। मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब मैं पोछा लगाऊंगी उतनी देर में। तो फ्रेंड्स अभी हमने दोपहर का खाना भी खा लिया है और खाना खाकर फ्री हो गया है। खाना खाते ही ऐसी ठंड सी लग रही है अंदर रूम में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रूम में बैठ लेती हूँ। खा लिया? हाँ जी खा लिया अंकल जी। जा जा। ये हमारे ओनर है। तो भी मेरे पीछे पीछे मेरा युवान भी आ गया है। आप क्यों आ गए बच्चे? अरे आप जा रहे थे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पीछे ये पूरे पानी के टैंक है। ये यहाँ पर इस तरह के पानी के टैंक होते हैं टेरिस के ऊपर। हमारे हिमाचल में 1000 लीटर की टैंकियाँ होती हैं, यहाँ पर इस तरह के टैंक बनाए होते हैं। तो इस वाले पानी को हम बर्तन धोने के लिए और नहाने कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो पीने का पानी है उसके लिए सुबह पानी के टैंक आते हैं तो वहाँ से भरवाते हैं हम पीने को पानी। तो यहाँ पर इस तरह के टैंक होते हैं, ये देख सकते हो। अभी युवान और युवान के पापा बैट बॉल खेल रहे हैं। कल तो हम दोनों ही आए थे लेकिन आज युवान के पापा भी आ गए हैं। युवान भी बच्चा, युवान के पापा भी बच्चा बन गए इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स अभी युवान के पापा का पार्सल आया है और ये देखिए शूज। अच्छा थैंक यू, वेलकम। ये मैंने दिया इनको गिफ्ट क्योंकि 23 जनवरी को बर्थडे है साथ में दोनों का, साथ में आता है। और मैंने इनके लिए सूज मंगवाए थे तो वो आज आ गए हैं। मैंने पहले दे दिया इनको गिफ्ट, अब तो नहीं मांगोगे ना। अभी बर्थडे तो बहुत दूर है। नहीं पापा के सूज मत डाल के तो गाइस वो देखो हट गए ना, उठाओ लेके आओ बुक हट गए ना। क्या लगा? अच्छा लग रहा है ना भाई। तो ये देखिए ये वाले सूज मंगवाए थे मैंने युवान के पापा को, इनके बर्थडे का गिफ्ट है ये जो मैंने पहले दे दिया है। तो अच्छा लगा आपको? गुड, वेरी गुड। ठीक है फिर, अच्छे लग रहे हैं और पाँव में भी लाइट वेट है फिर भी, है ना। हाँ और युवान को देखो, हम पढ़ा रहे थे युवान को, कितना गंद पड़ गया यहाँ पर भी। काफ़ी देर हो गई थी मुझे टेरिस पे बैठे हुए क्योंकि युवान को भी पढ़ा रही थी मैं अभी। और ये देखिए युवान ने बुक भी फाड़ दी अपनी, ये देखो। तो अब मैं रूम में चली जाऊँगी तो इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त कर दूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।